हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इस कटर में किस तरीके से धार लगाई जाती है। ये कटर है, धार लगने के लिए आया है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें इसको ये खोल लिया हमने ऐसे। ओके, खोलने के बाद हमारे पास ये पतली वाली कलम होनी चाहिए, ढंडी बोलते हैं इसको। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा जो हमारा जो ग्राइंडर व्हील है, ये बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। तो ये 0-0 मैंने कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ धार किस तरीके से लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस किनारे से इसके जंग को साफ करा है फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट के कोने से। इसके जंग को आप ना ग्राइंडर से इस तरीके से साफ कर लो, कोने पे रख के बिल्कुल, जिससे ग्राइंडर में बीच में जंग ना भरे और ये ग्राइंडर हमें ड्रेसिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ही काम है, इसमें कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। आप इसको इस तरीके से धार लगाओ, आसानी से धार लगती है। हाथ हमारा हिलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी। तो एक साइड से तो ये तकरीबन ओके हो ही गया है। ये फ्रेंड्स ओके, इधर से अब हमें लगाना है इसको ऐसे। तो ऐसे जो हमें लगाना है, ज़्यादा घिसना नहीं है, ऐसे एक बार में ही काम हो जाना चाहिए इसका। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, सीधा रखना है बिल्कुल इस ग्राइंडर के ऊपर इसको इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसके ऊपर आ चुकी है धार, इसके ऊपर एक बारीक रेसा आ गया, इसका डोरा बोलते हैं जिसको, ये आ गया। इसी तरीके से दूसरा ब्लेड लेना है, इसमें भी कुछ खास काम नहीं है। ये लग गई धार इसकी, ये हो गया ओके। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मेरे अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड, इसमें लग चुकी है धार, इसको धार लगाने के बाद फ्रेंड्स एक काम जरूर करना है हमें, इसको बंद करो। और धार लगाते इसको यहाँ से चालू नहीं करना है, इसको बंद करना है पहले। बंद करके और इसको इस तरीके से उल्टा, यानी बैक, ये देखो एक बार और भले ही कर दो इसको आप इस तरीके से बैक, और हल्के हाथ से चलाओ इसे फ्रेंड। ये एकदम ओके, बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें लग चुकी है धार एकदम ओके। ये धागे वगैरह काटने के काम आता है, ये धागा भी काटेगा, ये कपड़ा भी काटेगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसे मैं आपके सामने चेक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, धार एकदम लग चुकी है ओके। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स, ये कभी कई बार बहुत से ब्लेड के ये हिल जाते हैं, तो आप इसको हथौड़ी से टाइट कर सकते हो इस तरीके से रख के, दोनों रिप्टे इसके टाइट कर दो। ये फ्रेंड्स हो चुका है ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है एकदम बेहतरीन इसको। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स।